अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़रीन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्वीट डिश, जो बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, जिसको बहुत जल्दी बनाकर हम रेडी कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है कोई स्वीट डिश बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें फ्रेंड्स क्या क्या चाहिए, आज हम बनाने वाले हैं सेवई खीर। उसके लिए हमें चाहिए एक छोटी कटोरी सेवई, दो देसी घी के दो छोटे चम्मच देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, चीनी और आधा किलो दूध। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको मीठा कम या ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राई पैन गैस पर रख देंगे और इसमें घी ऐड करेंगे गरम करके। पैन में गैस ऑन कर दिया और इसमें मैंने घी भी ऐड कर दिया है, और इधर मैंने दूसरे साइड दूध को गरम होने रख दिया है। और अब हम इसमें सेवई ऐड करेंगे और इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से हम इसको भूनेंगे। इसको हमें जलाना नहीं है, धीरे धीरे हल्के हाथ से चलाते हुए इसको भूनना है। इधर दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म होते हुए ही इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है और कम स्टेप में ही बन जाती है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, परेशान करते हैं और आप स्वीट डिश बनाना चाहते हैं, तो आप इसको जल्दी बना सकते हैं। ये बहुत कम टाइम में और टेस्टी भी बन जाती है। इधर हमारी सेवई रोस्ट हो गई है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। और इधर जब दूध बॉयल होने लगे तो इसमें हम हरी इलायची डाल देंगे, जिससे इसमें इसकी फ्लेवर और खुशबू आ जाए। और जो दूध है उसको हमें कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करना होगा, ताकि ये थिक हो जाए। दूध में बॉईल आते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, और इसी स्टेज पर हम अब इसमें जो हमने सेवई रोस्ट की थी वो ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसे एक से 1.5 मिनट तक इसको बनने देंगे। इस स्टेज पर हम गैस ऑफ कर देंगे और हमारी सेवई खीर रेडी है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।